नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। शुद्ध तो आज की इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि कुछ कोचेस हैं जिसके बारे में बहुत सारे यात्री नहीं जानते हैं कि ऐसे भी कोचेस होते हैं थर्ड एसी का टिकट बुकिंग करने में, या सेकेंड एसी का टिकट बुक करने में, या फर्स्ट एसी का टिकट बुक करने में। ठीक है, तो हमारे ही जस्ट एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम निशांत जी है जी, उन्होंने बुकिंग स्टेटस AB2, AB3 या AB1 का मतलब क्या होता है उन्होंने मेरे से कॉमेंट करके पूछा था। तो उनके द्वारा ही मेरे को लगा कि बहुत सारे ऐसे यात्री होगा जिनको ये सब पता नहीं होगा कि AB1 क्या होता है, AB2 और AB3 क्या होता है, या HA1, H1, H2, H3, HA3 ऐसे करके कुछ जो कोचेस नंबर होता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कोच होता कहाँ है और कैसा होता है। ठीक है, तो AB1 जो होता है ये आपका, इसका मतलब ये होता है, AB1 का मतलब AC 2 टायर कम 3 टायर। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर AB1 या AB2 या AB3 आपको कहीं भी कोच दिखता है तो आपको ये समझ जाना है कि AB1, AB2, AB3 का मतलब ये होता है कि एक कोच में थर्ड एसी और सेकेंड एसी कॉम्बाइंड रहता है। मतलब एक ही कोच में 50% आपका सेकेंड एसी का बर्थ होगा, तो उसी में 50% 3 टायर का बर्थ होता है। ठीक है, तो AB1, AB2 देख के आप लोगों को घबराना नहीं है, बस आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कितने सारे वेटिंग टिकट कन्फर्म होता है तो ऐसे ही कोच में सीट उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है रेलवे की तरफ से, वो चाहे सेकेंड एसी में हो या थर्ड एसी में हो। ठीक है, सेम इसी तरह से जैसे HA1, HA2, HA3 जो होता है ये होता है फर्स्ट एसी कम टू टायर। मतलब HA1, HA2 या HA3 कहीं भी लिखा हो कोई भी गाड़ी में, तो आप समझ जाइएगा कि HA1 का मतलब होता क्या है, AC फर्स्ट कम AC 2 टायर। मतलब 50% आपका फर्स्ट एसी और 50% सेकेंड एसी होता है ऐसे कोचों में। अगर आप लोगों को भी ऐसा कोच मिलता है तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग इतना समझ जाइएगा कि आपका जो बर्थ मिला है, जो सीट नंबर मिला है इसी कोच में, अगर आप थर्ड एसी में बुकिंग किए हैं तो आपको थर्ड एसी में जाना है, अगर सेकेंड एसी बुकिंग किए तो सेकेंड एसी में जाना है। बस AB1, AB2 या HA1, HA2 इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो सो आई होप कि आप सभी को मेरा जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।